सोलन के पुराने बस अड्डे में एक्सक्लूसिव सैमसंग शोरूम का उद्घाटन हो गया है। शोरूम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा रिबन काट कर किया गया। शोरूम के मालिक व सैमसंग कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत शॉल और टोपी पहनाकर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सोलन शहर दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है और सैमसंग कंपनी का शोरूम खुलने से सोलन वासियों को अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घर द्वार पर ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में घर का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ होता है, जिसके लिए ये शोरूम काफी लाभकारी सिद्ध होगा। हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सैमसंग दुनिया का बढ़ता हुआ ब्रांड है और जो 100% बाहर से इम्पोर्ट होता था, आज भारत में उसकी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। ऐसे में सोलन जैसे प्रगतिशील नगर में सैमसंग का शोरूम खुलना जनता के लिए भी बधाई की बात है और ब्रांड के साथ साथ जो व्यक्ति विशेष हैं वो भी उसके लिए एक ब्रांड के समान ही है। वहीं कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत सैमसंग कंपनी की प्रोडक्शन अब भारत में शुरू हो गई है, जिसके चलते कंपनी द्वारा जगह जगह पर अपने आउटलेट्स खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में कंपनी द्वारा लोगों की खरीद में भारी छूट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट विश्वसनीय पर खड़े उतरते हैं और सोलन में उनके एक नए शोरूम ऐड करने से सैमसंग को भी बेनिफिट होगा और साथ में यहाँ के कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी सैमसंग ने एक नोएडा में नई फैक्ट्री मेक इन इंडिया के तहत एक नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ था मोदी जी के द्वारा, तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम नए नए शोरूम्स सोलन और हिमाचल में नए नए शोरूम्स खुलते जा रहे हैं। उसमें से एक वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स नया हमने खुला है।